देखिए, बहुत से लोग कहते हैं कि शुगर के लिए सदा दवाई खानी पड़ेगी, शुगर एक बार आ जाता है ठीक नहीं होता। लेकिन आयुर्वेद कहता है जन्म के पश्चात होने वाले प्रत्येक रोग को ठीक किया जा सकता है। उसी सिद्धांत पर हम आयुर्वेदिक दवाइयाँ देते हैं और आयुर्वेदिक दवाओं के द्वारा हम शुगर को सदा के लिए ठीक करते हैं। एक जीता जागता उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ। मेरे साथ है भाई वेद प्रकाश खत्री जी और उनके भाई राजकुमार खत्री जी हैं जो रिवाड़ी से आए हुए हैं। इन्हीं के मुख से सुनना कि कैसे क्या हुआ था। पहले मैं भाई वेद प्रकाश से पूछूंगा, वेद प्रकाश जी आप शुगर के कब से रोगी थे? मेरे को काफी सालों से हो गया जी, मतलब अंग्रेजी दवाइयां भी ले ली, सारा काम, कुछ फायदा नहीं हुआ इससे। मतलब चार दिन सही रहता था, फिर इसके बाद शुगर ही कोई हालत हो जाती थी मेरी। खैर भाई राज प्रकाश खत्री जी जो है वो अच्छे से बताएंगे क्योंकि उन्होंने काफी मेहनत की अपने भाई को ठीक करने के लिए और यही इनको लेकर आएंगे। इन्हीं के मुख से सुनना चाहते हैं, भाई साहब कब से क्या बीमार थे और कैसे आपके साथ समस्याएं थी, आप एक बार लोगों को बताइए। नमस्कार जी, मैं राजकुमार खत्री रिवाड़ी से। मैं पहले तो धन्यवाद करना चाहता हूँ डॉक्टर साहब सत्यप्रकाश जी वैद्य जी का, जिन्होंने हमारे भाई साहब को ठीक किया। हमारे भाई साहब आप ये देखो, कम से कम 3-4 सालों से बहुत ज्यादा परेशान थे। इनके पैरों में कालापन था और जख्म था जो काफी टाइम से नहीं भर रहा था। हमने खूब दवाइयां इनको दिलवाई, काफी कुछ किया, लेकिन डॉक्टर ने भी ये कह दिया था कि भाई इनका पैर काटना पड़ेगा। हाँ देखिए ना, शुगर में अगर किसी व्यक्ति को घाव हो जाता है तो डॉक्टरों से वो घाव ठीक नहीं होता है क्योंकि शरीर की नसें ब्लॉक हो जाती हैं और वो नसों के ब्लॉकेज को नहीं खोल पाते, सिर्फ स्टंट लगा सकते हैं। लेकिन शुगर के रोगियों का अगर पैरों पर या किसी और स्थान पर घाव हो जाता है तो अंतिम मरीज को पैर काटना ही पड़ता है या अंगूठे को काटना ही पड़ता है। स्थिति पर जब वेद प्रकाश को सुना कि उसके पैर काटने पड़ेंगे तो कैसा लगा आपको वेद प्रकाश जी? मेरे को बहुत दुख हुआ जी। आपको दुख हुआ क्योंकि पैर तो बच्चे, कोई बच्चे घबरा गए, घर वाले सारे घबरा गए, पैर काटना पड़ेगा, ये है बहुत ज्यादा वो तो। खत्री साहब आपको कैसे पता चला, फिर कैसे क्या हुआ? डॉक्टर साहब हमारे मिलने वाले हैं फरीदाबाद से, अच्छा तो हम वहां पर गए तो उन्होंने आपके बारे में बताया था कि भाई नाड़ी वैद्य रोहतक में है, आप वहां जाइए और एक बार विश्वास करके उन पे आप इलाज करवाइए। तो हमने उन पे विश्वास करके, और जब हम डॉक्टर साहब आए तो इनकी बातों से भी हमें ऐसे लगा कि वास्तव में है कुछ। तो इन्होंने हमें एक 15 दिन की दवाई दी और 15 दिनों की दवाई में हमें इतना अंतर आया, इतना अंतर आ गया कि ये 99% तक ये बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। तो देखिए मैं यही कहता हूं कि आयुर्वेद धीरे कार्य नहीं करता, धीमे से कार्य नहीं करता। जब खाते ही पेट भर जाता है, मीठे का पता चल जाता है, मिर्च का पता चल जाता है, तो हमारी औषधियां देर से क्यों काम करेंगे? क्योंकि हमारी दवाइयां अगर सही ढंग से बनाई गई है तो लेते ही काम करेंगी। इसलिए मैं कहता हूं 15 दिन की दवा का अगर आप प्रयोग करेंगे कम से कम 90% आपको आराम पड़ेगा। यही बात इस भाई के साथ हुई, इनका पैर जो रिसाव पानी से आ रहा था, घाव नहीं भर रहा था, पैर काला पड़ता जा रहा था, पैर में दर्द बढ़ता जा रहा था, 15 दिन में दर्द भी खत्म हो चुका है और घाव भी हीलिंग पर आ गया, बहुत थोड़ा सा उसमें आता है, ये घाव भर जाएगा। क्योंकि घबराने की बात नहीं, आपके मन में अगर हौसला है और आप आयुर्वेद पर विश्वास करते हैं तो अवश्य ही आप ठीक होंगे। कोई भी ऐसी बीमारी नहीं जो आपको परेशान कर सके। आप क्या कहना चाहेंगे खत्री साहब, आपको कैसा लगता है? हमें तो बहुत अच्छा लगा। मैं तो बार बार डॉक्टर साहब का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने आयुर्वेद को बढ़ावा दिया। और मैं लोगों से भी ये कहना चाहता हूँ कि आप विश्वास रखिए, इसमें कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं, कोई नुकसान नहीं शरीर में, कोई ऐसा कुछ नहीं, आपको कोई परहेज भी नहीं। एक छोटा सा परहेज होता है, सिर्फ चाय के डॉक्टर साहब मना करते हैं, आप वो छोटा सा परहेज ही कर लो और आप विश्वास करो कि आप पूर्ण रूप से ठीक हो गए। क्योंकि मैंने जीता जागता ये अपने भाई साहब को देखा है, इनकी आंखों में आंसू देखे थे मैंने। मैंने काफी मेहनत करी इनके साथ, काफी मैंने इनको दवाइयां दिलवाई, अंग्रेजी दवाइयां दिलवाई, इनका शरीर खराब हो गया, बड़े परेशान हुए। लेकिन जब से मुझे डॉक्टर साहब का पता लगा, हमने पूर्ण रूप से विश्वास किया इनको ऊपर, और आज हम इतने खुश हैं कि आज हमारे भाई साहब का पैर भी ठीक है, चलने लायक भी है, चेहरे पर रौनक भी है, हंसी भी है चेहरे पर। बस विश्वास सबसे बड़ी चीज है, आप आयुर्वेद विश्वास कीजिए। यही देखिए, क्योंकि आयुर्वेद ही जीवन है, प्रकृति प्रदत्त जो ज्ञान है, शरीर को संपूर्ण रूप से ठीक करने की ताकत अगर रखता है तो आयुर्वेद है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन बहुत से जो अंग्रेजी दवाओं के दलाल हैं या अंग्रेजी फार्मेसीज के जो उनको बढ़ावा देने के लिए हमारे जैसे आयुर्वेदिक के जो प्रोग्राम करते हैं या आयुर्वेदिक दवाएं देते हैं उनके खिलाफ एक दुष्प्रचार करते हैं। वो कभी नहीं बताते कि अंग्रेजी दवाओं की अगर बीमारी
के लिए कोई इलाज करते हैं, चाहे आप बुखार की दवाई लेते हैं, उस बुखार की दवाई का साइड इफेक्ट है जो किडनी को आपके लीवर को डैमेज करता है। अगर एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो बीपी की दवाई बना देता है, उससे आपकी किडनी डैमेज हो जाती है। कोई नहीं बताएगा आपको कि आप अनाज जैसी दवाओं का अगर प्रयोग करते हैं तो इम्यूनिटी पावर खत्म हो जाती है, लेकिन आयुर्वेद में ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि अंग्रेजी दवाओं से बचिए, क्योंकि अंग्रेजी प्रत्येक दवा का साइड इफेक्ट है। आयुर्वेद एक भोजन है, आयुर्वेद का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। समय लग सकता है लेकिन ठीक अवश्य होंगे। आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।